हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। आज मैंने बनाई है काली जो उड़द की दाल होती है ना, वो बनाई है मैंने। और साथ में बनाया है मैंने करेले की सब्जी सूखी, और साथ में आलू गिलकी की सूखी सब्जी। बस इतना ही बना। चावल बने हैं, रोटी बनी है, बस दैट्स इनफ। और हाँ, मिर्ची फ्राई की है, वो मोटी वाली है ना। तो इतना खाना बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, बात आती है मुद्दे की। मैं ज़्यादा अभी कोई लंबी बात खींचना नहीं चाहती है चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसा कमेंट मैंने पढ़ा कि क्या आपके भाई आपका साथ नहीं देते क्या? क्योंकि मैंने अभी जो कल छोड़ शायद परसों एक वीडियो डाला था, तो उसमें बोला था मैंने कि कोई के सिवाय माँ बाप के कोई साथ नहीं देता है। तो ये सही है ना? ये आप बोल रहे कि भाई साथ नहीं देता। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं देता है ना, ऐसा नहीं बोलूंगी। क्योंकि देखो, भाई हुआ चाहे बहन हुई, किसी के भी भाई बहन हुए, जिंदगी भर के लिए आपके लिए नहीं बैठे हैं वो, है ना। और ना ही आपको ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि आपका भाई आपके लिए कुछ करे, आपकी बहन आपके लिए कुछ करे। और सेम मेरा भी नेचर यही है कि मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, चाहे फिर मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो। यार, सबका अपना परिवार है ना। चलो ठीक है, माँ बाप तो फिर भी मेरे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, तो मेरे लिए सोचते हैं। लेकिन मैं भाई से उम्मीद क्यों रखूं? आज भाई अलग रहता है, आप लोगों को मालूम है, मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ इस मकान में। भाई का मकान अलग है, भले ही एक भाई है मेरा, लेकिन भाई का अपना अलग मकान है, अपना परिवार है, उनके भी बीवी बच्चे हैं। अभी बच्ची की तो शादी हुई, आप लोगों को मालूम है। अभी बच्चे बेटा है, बेटे की भी अब शादी होनी है, बात चल रही है। तो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे क्यों डालूं? हाँ, उन्हें कभी मन से कुछ करना होगा जिंदगी में तो वो कर देंगे। मैं उनसे बोलूंगी नहीं जाके कि भाई मेरे लिए ये कर दो, तो मैं इस प्रॉब्लम में हूं, तो भाई मेरे बच्चे की फीस भर दो, तो मैं मेरे लिए फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा, मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ। ये सारी बातें मैं अपने भाई से करने नहीं बैठूंगी, है ना। वो बॉन्ड है ही नहीं है हम लोगों के बीच, हम भाई बहनों के बीच वो बॉन्ड है ही नहीं है कि हम अपनी तकलीफ में उनसे जाके बोले। हम और क्यों बोले? हम बोलेंगे भी नहीं कभी लाइफ में। उन्हें खुद से समझ में यदि कुछ आएगा लाइफ में और वो खुद कुछ करना चाहेंगे, तो शायद मैं मना भी नहीं करूंगी। वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं हाँ भानेजन है, ये है, तो फर्ज बनता है। ठीक है, आपका, आपको लगता है कि आपका फर्ज बनता है तो आप खूब करो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन आप हमारे मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि भाई मेरे लिए ऐसा कर दे भाई। और मैंने आज तक ऐसा कभी कहा भी नहीं है। मुझे यहाँ 5 साल रहते हो गए, मेरे घर में 2019 में मैं इस घर में आई थी, 19 से ये 24 चल रहा है। मैंने आज तक ना अपनी माँ से, ना मेरे पापा से, ना मेरे भाई से, ना मेरी बहनों से कभी कुछ नहीं बोला। हाँ, मम्मी पापा ने खुद किया, मैंने मना भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं कभी डिमांड नहीं करती। मैं कितनी भी प्रॉब्लम में हूँ, अभी आजकल मेरे को बड़ा क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि बच्चों की अभी राधिका को बाहर जाना है, बहुत ज्यादा टेंशन दिमाग में चल रहा है। अभी स्कूल खुले मिष्टी के, तो बहुत सारा इंतजाम सब कुछ करना होता है। आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मजाल है, मैं कभी एक शब्द भी अपने पेरेंट्स से बोलती हूँ कि मैं प्रॉब्लम हूँ। वो बैठा है ना, प्रॉब्लम बोलने के लिए मेरे पास है भगवान जी है, मैं उनके सामने जाके बोलती हूँ, उनके सामने जाके रोती हूँ। मैं क्यों किसी के सामने जाके बोलूँ कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ऐसा है वैसा है। अब आप लोग समझ सकते हो कि यार, अकेले रहने में कितनी मुसीबतें आती हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें आती हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के भैया सबसे दूरी बना के रखती हूँ, मुझे किसी से कोई सहयोग नहीं चाहिए। मेरे लिए यदि सहयोग करने बैठे होंगे ना, तो भगवान जी बैठे हैं, है ना। और जिसको जो करना है वो उपद के करेगा। मुझे किसी से कुछ भी नहीं मांगना है, किसी से कुछ कहना भी नहीं है कि तुम आके मेरे बच्चों के लिए करो। इवन देखो, मेरे हस्बैंड से भी मेरा हुआ, तो मैं कभी उनसे भी कभी कुछ नहीं बोलती। उन्हें करना होगा लाइफ में, यदि वो सोचेंगे, उन्हें लगेगा कभी, तो वो खुद कर देंगे। मैं क्यों बोल के अपना मान के रहूं? मैं तो कभी नहीं बोलूंगी, है ना।
ना मैं अपने भाई से बोलूंगी ना मैं अपने माँ बाप से बोलूंगी, क्योंकि आप लोग की तरफ से यही कमेंट आया क्या आपकी आपके भाई से पटती नहीं है। यार पटना मीन्स क्या होता है, सब है, भाई है, बहन है, ठीक है, बातचीत होती है, सब कुछ है, एक ही घर में रह रहे हैं, आते हैं वो यहाँ दिन भर, दुकान तो यही है ना, नीचे ही दुकान है आप लोग को मालूम है, तो पापा भी बैठते हैं दुकान पे, भाई भी बैठता है, मेरा भतीजा भी बैठता है, तो आते हैं, वही मैं क्लास लेती हूँ दूसरे रूम में, है ना, तो बातचीत तो होती है, भैया की आदत है हंसी मजाक करने की, मेरी भी आदत है, तो बातचीत सब होती है, कोई तनाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, और उन्हें कभी दिखेगा, उन्हें खुद से सोचना चाहिए, मैं क्यों बोलूं उनसे, है ना, क्यों बोलूं यहाँ आके कि भाई मेरे लिए कर दे, भाई मेरे लिए कर दे। मैं ऐसे भीख मांगने वालों में से ना कभी थी, ना हूं, ना कभी जिंदगी में होंगी, मरते मर जाऊंगी, लेकिन मैं इस तरीके से कभी किसी से भीख नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरा खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं बचपन से कमा रही हूँ, 15 साल की उम्र से कमा रही हूँ, तो चाहे इसे एटीट्यूड बोल लो, चाहे घमंड बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं सामने बिल्कुल नहीं मांगूंगी, मैं मांगूंगी तो मेरे भगवान जी से मांगूंगी, मेरे बालाजी सरकार है, मैं उनसे बोलूंगी, उनके आगे रोऊंगी, है भगवान मुझे सब करके देते हैं यार, भले ही थोड़ा देर सबेर होती है, कैसे भी करके मेरा इंजाम सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे किसी के सामने नहीं रोती कि क्यों रोऊं मैं, है ना, बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ऐसे कभी किसी से पैसे नहीं मांग सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, और मैं किसी से कुछ हेल्प भी नहीं मांग सकती, चाहे मेरे सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, बहने हैं, बहनों के अपने घर है, बहनों के अपने घर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी खुद के बच्चे हैं, मैं क्यों कहूँ उनसे कि तुम मेरे लिए कर दो, मेरे लिए वो कर दो, यार लानत है मुझ पे, फिर कभी नहीं। तो ये चीज आप लोग दिमाग से निकाल दो कि मैं अपने भाई बहनों से मेरी लड़ाई झगड़े कुछ है, कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से बहुत प्यार है, हम तीनों बहनों में तो बेहद प्यार है, ये है, क्योंकि हम लोग की आदत है कि हम लोग कभी कुछ मन में लेके नहीं चलते एक दूसरे के लिए, है ना, जो बात है खुली बात करते हैं, भाई से भी ऐसे ही रिश्ता है हम लोगों का, बस अपने रोने नहीं रोते, किसी के आगे बैठ के अपने रोने नहीं रोते कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, हम रह रहे हैं, उन्हें यदि दिख रहा है तो वो खुद करेंगे, है ना, मेरी माँ जैसे मेरे लिए सोचती है, क्योंकि माँ को तो सारी बातें पता होती हैं, माँ सब कुछ करके देती है मेरे लिए, मतलब सब कुछ मीन्स ऐसा नहीं कि वो रोज मुझे पैसे भर रही हो, ये चीज भी मत सोचना कभी भी, है ना, माँ के हाथ में होता क्या है, माँ के हाथ में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ माँ मेरे लिए एक हमदर्द है, मेरी मेरे लिए सोचती है, बहुत सोचती है, और सच बताऊं ऐसा नहीं है वो सिर्फ मेरे लिए सोचती है, वो सबके लिए सोचती है, वो सबके लिए तत्पर खड़ी रहती है, चाहे मेरी छोटी बहन को कुछ हो जाए, चाहे मेरी बड़ी बहन को जाए, चाहे मेरे भाई को कुछ हो जाए, चाहे मेरी भाभी को कुछ हो जाए, चाहे बच्चों को कुछ हो जाए, भतीजे भतीजी किसी को भी कुछ हो जाए, मम्मी सबके लिए एक कॉल है, मम्मी के मन में किसी के लिए भेद नहीं, भले कोई कुछ भी कहे कि अरे इसके लिए ज्यादा सोचती हूँ, उसके लिए सोचती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ रह के फील किया है, मैं इतने साल से मम्मी के साथ रह रही हूँ और शादी के पहले भी रही, मम्मी सबके लिए एक कॉल है ना, किसी को ये लगे कि अरे इस बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, उसको नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, और ये हम बहनों में बिल्कुल है भी नहीं है कि ये चीज कोई सोचे कि अरे मंजू के लिए ज्यादा कर रही है, तुम्हें नकली नहीं कर रही है, मधु दीदी के लिए नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, है ना, वो करती है सबके लिए इक्वल करती है, और सबके लिए बहुत चिंतित रहती है, वो बहुत चिंतित रहती है, ऐसी माँ भगवान करे सबको दे, सबको दे, मतलब मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जो मुझे खड़ा कर पाए दोबारा से, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी, सच बता रही हूँ, आज मैं जो दोबारा खड़ी हुई हूँ ना, अपने पेरेंट्स की वजह से हुई हूँ, सच बता रही हूँ मैं, आज मेरे मम्मी पापा नहीं होते ना तो शायद मुझे नहीं मालूम मेरा क्या होता, सॉरी यार मैं पता रोना नहीं चाहती, लेकिन बात करते 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 मेरे आंसू निकल आते हैं यार, क्योंकि बहुत झेला है मैंने, बहुत झेला है, इसी बात के लिए मैं जवाब देने के लिए आई थी कि मैं उम्मीद नहीं रखती किसी से भी, है ना, इसलिए ऐसा मत सोचो कि भाई से नहीं बनती मेरी या कुछ भी, जितनी है सब इक्वल, यार पूरी तौर से हम घुसेंगे थोड़ी ना, उनका खुद की जिंदगी है, उनकी खुद की लाइफ है, उनकी खुद की बीवी है, बच्चा है, मैं क्यों घुसूं किसी में यार, है? और फिर इतना टाइम किसी के पास नहीं है, मैं भी दिन भर बिजी रहती हूँ, वो भी बिजी रहते हैं,
कई लोगों ने बोला कि तुम्हारे तुम्हारे भाई से पटती नहीं है, बहुत सी बीच में ऐसी कोई बातें हुई थी। तो ठीक है यार, उतना ही हम रखते हैं, हम किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, है ना। उम्मीद रखेंगे और वो चीज नहीं होगी तो मुझे ज्यादा दुख होगा। कम से कम ये तो है ना कि मैं उम्मीद ही नहीं रखती किसी से, तो मैं क्यों दुखी हूं यार, है ना। मैं तो सब यही बोलूंगी कि बस बालाजी सरकार मुझ पे कृपा बना के रखे, मैं सिर्फ उनके आगे रोती हूँ, उनसे ही बोलती हूँ भगवान से कि भगवान आपको मेरी नैया पाल लगाना है, मेरे बच्चों की नैया आपको पाल लगाना है बस, और किसी को नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है अभी तक इतना कुछ हुआ लाइफ में, सब चीजों से निकली हूं ना मैं बाहर, है ना। कितनी मुसीबतें आई लाइफ में, एट लास्ट मुझे निकाला ना भगवान ने ही निकाला ना, तो अभी भी निकालेंगे वो, आगे चल के भी और निकालेंगे। तो बस दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मैं उम्मीद नहीं रखती किसी से भी। हाँ, उन्हें कभी लाइफ में दिखेगा, खुद से उन्हें रियलाइज होगा कि ये परेशान है, वो खुद से करेंगे तो मैं मना भी नहीं करूंगी, बस ये। बाकी तो सब भगवान है देने वाला, सब कुछ बैठा हुआ है करने के लिए। अभी तक परेशान नहीं हुई हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत तो जिंदगी में संघर्ष लिखा है मेरी, तो संघर्ष तो है, कर रही हूँ और करूंगी जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं। बस भगवान उतनी शक्ति देना संघर्ष करने के लिए भी, उतनी कि मैं हार ना जाऊं, बस भगवान, ये और कुछ नहीं है, और कुछ मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, मिलती हूँ फिर दूसरे ब्लॉग में।